एक बार दिला दे। अबे नीच, ये मोहिनी है, मनमोहित करने वाली, और तू साले क्या सोच रहा है इसके बारे में, क्या बकवास कर रहा? सॉरी भाई। भाई ये बैच की पहली और आखिरी लड़की है जिसने मेरा मन और दिल दोनों चुरा लिए हैं। हाँ भाई, भाग्यों को देखकर तो लग रहा है जैसे बर्तन मांजने आई है। और इसे जरा एक बार देखो तो सही, लगता है फूलों के रस से नहा के आई है। भाई इससे पहले बाकी लौंडे इस पे ट्राई मारे, हमी को कुचरना चाहिए। सही में भाई, इसका व्हाट्सएप नंबर निकलवाओ, गुड मॉर्निंग वाली फोटो भेजनी है। अबे तू साले अंकल है क्या कि तुझे गुड मॉर्निंग वाली फोटोज भेजने हैं? ओ भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगा नंबर। भैंचोर लास्ट टाइम वाली लड़की ने बहुत जलील किया था, और सालो तुम लड़की का नंबर टॉयलेट में लिख देते हो। टॉयलेट रिहान, टॉयलेट वाली अपने पास एक वीडियो है ना। ओ अच्छा, टॉप एंगल वाली। हाँ है ना भाई, सोच रहा हूँ यार इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, व्यूज अच्छे आएंगे ना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो मेरे प्रिय भाइयों, मैं लाता हूँ ना नंबर, तुम तो मेरी सौतेली औलाद, प्यारे भाइयों जैसे हो। मैं लाता हूँ ना तुम कमीनों के लिए नंबर। गुड। आखिर शुरुआत हो ही गई, मतलब कमीनों का चेला है, उनके कहने पर हगता भी है और धोता भी है। ओह ऐसा है क्या? हाँ लगता है इनमें से फिर किसी एक का दिल तेरे ऊपर आ गया है। आज चल फिर इनके मजे लेते हैं। हाय सिस्टर। हे पोपे। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अच्छी होंगी। हम रेड थोड़ी हैं जो इतना मस्का मार रहा है, सीधे मुद्दे पे आना। वो सिस्टर मैं कह रहा था। हाँ क्या कह रहा था? वो मैं कह रहा था मेरे लास्ट सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक आई थी पूरे बैच में। तो हम क्या करें? मैं कह रहा था कि मैं आपका होमवर्क कर सकता हूँ। हमें कोई होमवर्क नहीं कराना तेरे से। नहीं नहीं, मैं आपकी नहीं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनका होमवर्क कर सकता हूँ। ओह इतनी मेहरबानी किस लिए? देखो दीदी, मेरी एक मजबूरी है, मेरे दोस्तों ने मेरा एक वीडियो बना के रखा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आपका नंबर लाने के लिए। प्लीज दीदी आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दो। पता था तुम साले कभी सुधर ही नहीं सकते, लड़की देखी नहीं कि बस मुंह से लार टपकने लगी। Oh, no. प्लीज दे दो ना सिस्टर, उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजना है। क्या गुड मॉर्निंग? पोपे सुन, तू इतना भोला है ना, तेरे दोस्त उतने ही चूतिया हैं। उनको बोल मैं अंकलों से बात नहीं करती, नंबर चाहिए तो फेस टू फेस आके इम्प्रेस करें। अब टाइम आ गया प्लान बी का। डन हो भी गया? हाँ एक काम कर, तू मेरी कॉपी से जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर, मैं तेरा कैंटीन में वेट करती हूँ। वाह विशा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारी हैंडराइटिंग। थैंक यू, बट ये मेरी नोटबुक नहीं है, आयशा की है। कोई बात नहीं। अरे जिसके दोस्त की हैंडराइट इतनी खूबसूरत है उसकी खुद की कितनी सुंदर होगी। अबे साले। पे? सही बात है भाई। ये देखो ये है मेरी नोटबुक, बताओ कैसी है मेरी हैंडराइटिंग। तुमने बताया नहीं तुम्हें चाइनीज भी आती है। चाइनीज? अरे भाई ये मंद्रासी है। आदिवासी बोली? हाँ हाँ वही वही। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अबे चुचू के मुरब्बे, इसा देखो कई लोगों को तुम्हारी आर्ट की परख नहीं है, लेकिन मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे तुम्हारी आर्ट की परख है। अच्छा फर्स्ट लाइन पढ़ना जरा। भाई इसे तो सिर्फ केमिस्ट्री समझ पाएंगे। इसमें लिखा है When life gives you melon, then don't run after watermelon. हग्दियानी साला। चाइनीज, आदिवासी, आर्टिस्ट, केमिस्ट और क्या था? वाटरमेलन। बहन के टप्पो, भगाओ जाओ यहाँ से, just go away. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मैं साले तेरी तो एक्सक्यूज मी। कौन मैं? हाँ तुम। हाँ बोलो। मेरा नाम सुधीर है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो तो मुझे पता है।
अरे हाँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बोल ना भाई। भाई? अरे यार, स्लैंग है, तू अपनी बात बोल ना। शिवांगी, आई वांट टू कन्फेस समथिंग। मैं फादर लग रही हूँ तेरे को, क्या कन्फेस करना है? देखो, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन मैं आज हिम्मत कर ही लिया हूँ। ओके। मैं अपने मम्मी पापा का एप्पल ऑफ द आई हूँ। ओके, तो क्लास में मुझे लोग चमन चूतिया और न जाने कैसी कैसी शब्दों से बुलाते हैं। एक मिनट, ये प्यार नहीं, ये तो बुलिंग है। ओह, कोई बात नहीं शिवांगी। मेरी हाइट 5 feet 8 inch का है और मेरी चेस्ट 33 का है और मैंने कोई गंदे शौक नहीं पाल रखे हैं। और तो और पता है, मैं ना एक अच्छी नौकरी की विचार में हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो शिवांगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके मुझे अमर कर दो प्लीज़। ये तुम्हें 15वीं सदी लग रही है क्या? अरे थोड़ा मॉडर्न होके प्रपोज करो यार। अगर मैं तुम्हें वैसे प्रपोज करूँगा तो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगी? उठ यहाँ से, अभी उठना, निकल चल। बड़ा आया, प्रपोज करूँगा तो हाँ करेगी क्या? भाई क्या हुआ? भाई अरे हुआ क्या यार? भाई अरे बोलेगा कुछ, हुआ क्या भाई यार? अबे चमन चूतिए, बताएगा हुआ है क्या? भाई यार वो, ये तुम्हें 15वीं सदी लग रही है क्या? अरे थोड़ा मॉडर्न होके प्रपोज करो यार। अगर मैं तुम्हें वैसे प्रपोज करूंगा तो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगी? उठ यहाँ से, अभी उठना, निकल चल। साले फिर तूने करा ली अपनी बेइज्जती। अबे इज्जत वालों की बेइज्जती होती है, साला तो पहले ही बेइज्जत है। अबे इसमें गलत क्या कहा उसने? बाबा आदम के पेते तू 21वीं सदी में अपनाएगा तो कद्दू लड़की सेट होगी। सही कह रहा है बॉस। अबे लोलू ललित, लड़की ऐसे थोड़ी पटती है, लड़की पटाने के लिए चाहिए थोड़ा वक्त, थोड़े पैसे और थोड़ा सा ज्ञान। भाई यार बात पे दम तो है, और तू साले कछुआ है, दुनिया चीता है, आजकल लड़के पटाना इतना ही मुश्किल है जितना अच्छी एक नौकरी पाना। लड़की को पटाना है ना तो पहले उसे स्टारबक्स की महंगी कॉफ़ी पिलाओ और फिर बैरूस की बिरयानी खिलाओ और शाम होते होते उसको सिनेमा या PVR लेके चलो और रात को आइसक्रीम खिलाओ इंडिया गेट पर, तब जाके लड़की पटती है। भाई ये बहुत महंगा तरीका है, कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? अबे साले पैसों के लिए रोता रहता है तू, बनिए फकीर चंद, जेब में 2-4 पैसे रख लिया कर। बे पैसा ये ले साले गरीब, डाल दिया पैसा। देख देख कैसे शर्मा रहा है, पैसे मिलते ही साले। मैंने चल अब तुझे रीडिजाइन करते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं और फिर वो शिवांगी तुम्हें चाहकर भी मना नहीं कर पाएगी। चलो चूतिए की भी सेटिंग हो गई। भाई मुझे वर्किंग मुझे इतना ही नहीं मानना। बॉयज डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें कबाने ले चलता हूँ, चलो।